विहंगम योग समाज द्वारा वासदा दंडक वन आश्रम द्वारा स्वतंत्र देवजी तथा सदगुरु उत्तराधिकारी विज्ञान देवजी महाराज ना सानिध्य में आगामी तारीख 24 अप्रैल ना रोज विहंगम योग संस्थान समारंभ नु आयोजन करायु छे। 14 तारीख 24 अप्रैल नी रविवार ना रोज सांजे 5-8 सुधी सरथाणा नवजीवन होटल नी सामे मंगीबाव फार्म खाते विहंगम योग सत्संग प्रारंभ अने ध्यान शिबिर नु आयोजन करायु छे। આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય સંત કિશનલાલ શર્મા રામ વૃક્ષ સરદારજીએ જણાવ્યું કે દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મનને નિયંત્રણ રાખવા માટે જે જ્ઞાન આપ્યું છે તે જ બ્રહ્મવિદ્યા વિહંગમ યોગ દ્વારા ક્રિયાત્મક સ્વરૂપમાં સરળ પદ્ધતિથી શીખવાડાશે। સ્વતંત્ર દેવજી વિજ્ઞાન દેવજી મહારાજના સાનિધ્યમાં આધ્યાત્મિક પાટનગર વારાણસી સ્થિત સર્વ વેદ મંદિરથી સુરત આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે ત્યારે કાર્યક્રમના સમાપનમાં મહાપ્રસાદીનું આયોજન પણ કરાયું છે। હમ પ્રારંભ કરતે હૈ મન સે। सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने कहा योग का अर्थ क्या है। आज हम सब चर्चा करते हैं योग की, लेकिन सदगुरु देव ने स्वरवित ग्रंथ में लिखा है योग योग सब कोई कहे योग न जाना कोई अर्ध धार ऊर्ध चले योग कहा विश्व। योग कहत है जोड़ को योग कहत है संधि योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग का अर्थ आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, कपाल भांति नहीं है, अनुलोम विलोम नहीं है। योग का अर्थ कुंडलिन जागरण नहीं है, चक्रों को खिलाना नहीं है। योग का अर्थ है दो वस्तु का मेल। दो वस्तु क्या है? एक परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, चेतन चेतन के मेल का नाम है योग। आत्मा परमात्मा की संधि का नाम है योग, भक्ति पूजा उपासना। ब्रह्म विद्या विहंगम योग कोई संप्रदाय नहीं है, मजहब नहीं है, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं है। ब्रह्म विद्या हमारी सनातन विद्या है। ब्रह्म विद्या की चर्चा चारों वेदों में है, उपनिषदों में है, रामायण गीता भागवत संत मत के सभी साहित्यों में है। इसी लुप्त ब्रह्म विद्या को जो महाभारत काल बाद लुप्त हो गई, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज हिमालय योगी ने हिमालय की कंदरा में बैठ 17 वर्ष कठोर साधना कर समाधि में प्रकट किया, अनुभव में प्राप्त किया। और अनुभव में प्रकट करने के बाद कहा ईश्वर है मिलाऊंगा, मैंने परमात्मा को देखा है तुम्हें भी दिखा दूंगा। ऐसा किसने आज तक कहा? सद्गुरुदेव ने कहा परमात्मा एक सर्वव्यापक चेतन सत्ता है और चेतन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चेतन भक्ति चेतन साधन की आवश्यकता है। वह चेतन साधन चेतन आत्मा करती है, जड़ शरीर नहीं। तो विहंगम योग की 10 मिनट की साधना से हम शरीर से स्वस्थ होते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है, आंतरिक शांति मिलती है, बुद्धि का विकास होता है, शुगर बीपी हृदय रोग डिप्रेशन ऐसी बीमारियां नियंत्रित होती है, दुर्गुण हमारे छूट जाते, नशा छूट जाता है, नींद की समस्या दूर हो जाती है। यूवन हैबिटेट जुड़ा है विहंगम योग से, अनेकों वैज्ञानिक शोध हुए हैं विहंगम योग की साधना पर। टीवी पर भी 3 चैनल पर हमारा कार्यक्रम आता है विहंगम योग के नाम से। 50 से ऊपर देशों में हमारा प्रचार है, 500 से ऊपर लगभग 500 से ऊपर आश्रम है देश विदेश में। अभी यहाँ मुंगीपा फार्म में कार्यक्रम हो रहा है, गुजरात संत समाज के अध्यक्ष हमारे गोवर्धन भाई झड़पिया हैं, उनकी उपस्थिति में पूरा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें ध्यान शिविर सिखाया जाएगा। वर्तमान में हमारे अनंत श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी भगवान हैं, उनका आगमन हुआ है। आश्रम यहाँ पर वास्ता में है, नवसारी जिला में गुजरात में वहाँ पर स्थित है, वहीं पर रविवार से कुछ सब था। तो हमारा ये विहंगम योग जो सदगुरुदेव ने नित्य अनादि गुरु ने प्रकट होकर सदाफल देव महाराज को दिए थे, तो सदाफल देव महाराज ने इस विद्या को 1924 से पूरे विश्व में प्रचार करने का संकल्प लिया। उन्होंने 1,00,000 वेद मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ किए और लक्षा होती यज्ञ करने के बाद तब इस ब्रह्म विद्या का प्रचार पूरे भूमंडल में शुरू किए। तो उसी के तहत अभी हमारे लगभग पूरे देश और विदेश में 400 आश्रम है, सेंटर है, और 500 देशों में इसका प्रचार है। तो हम लोग क्या है, ध्यान सिखाते हैं, विहंगम योग की ध्यान है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अर्जुन को सिखाए थे रणभूमि में, वही ब्रह्म विद्या है, जो प्राचीन विद्या है, सनातन ज्ञान है, ये सृष्टि के आदिकाल से ऋषि महर्षियों के द्वारा परंपरागत चलते आ रहे हैं, वही ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना है। ये साधना हम लोग सिखाते हैं, उसी का ये शिविर हो रहा है। अभी मंगी भाव फार्म पर हमारे पुरुषोत्तम भाई जी हैं, इनके फार्म हाउस है, इनके सहयोग से यहाँ पर लगभग 20,000 साधक लोग आएंगे और यहाँ पर ध्यान शिविर है। सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज
वाराणसी स्वर्वेद महामंदिर धाम से पधारे हैं और सदगुरु उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज स्वर्वेद कथा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल आई विटनेस।